चलिए वहीं हम आपको हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश देते हुए नजर आए भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के सभागृह नेता प्रशांत लाड़। हम आपको बता दें कि रमजान के पाक महीने पर सभी मुस्लिम समुदाय के लोगों को उन्होंने मुबारकबाद दिया और शहर में स्वच्छता और जो कई ऐसे क्षेत्र में पानी की समस्या है उसे किस तरह निवारण पाया जाए यानी कि उसे किस तरह हल किया जाए इसकी पूरी जानकारी सभागृह नेता प्रशांत लाल ने हमारे चैनल के माध्यम से दी। वहीं पर सभी भिवंडी वासियों को देशवासियों को रमजान के पावन महीने पर उन्होंने बधाई भी दिया। आइए देखते हैं क्या कहते हैं भिवंडी शहर महानगर पालिका के सभागृह नेता प्रशांत लाल जी। हमारे मुस्लिम भाइयों को मैं इस रमज़ान की शुभ अवसर पर मैं बधाई देना चाहता हूँ कि ये पवित्र महीना कल से स्टार्ट हो चुका है और इस महानगर पालिका के माध्यम से मैं सभागृह नेता इस नाते से इस भिवंडी वासियों को जो जो सुविधा जो महापालिका के मार्फत देना चाहते हैं उसमें खास करके साफ़ सफाई की तरफ हमने बहुत ज़्यादातर तरफ ध्यान दिया है। उसके बाद में हमारे भिवंडी शहर के कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अशोक गुड्डू साहब ने टोरेंट पावर के माध्यम से उन्होंने चार पांच मुद्दे के ऊपर एक एलिगेशन दिया है टोरेंट पावर को और हमारे भिवंडी के महापौर साहब ने भी एक कचरा उठाने की मुहिम जो रात दिन डे नाइट और रमज़ान के ऊपर छोड़ने दौरान की जानी चाहिए तो महापौर उपमहापौर स्टैंडिंग चेयरमैन और सभागृह नेता विरोध पक्ष नेता सभी पार्टी के गट नेता सभी को एक मीटिंग सामूहिक मीटिंग बुलाकर स्वच्छता के बारे में या कचरे उठाने के बारे में ये रमज़ान महीने में बहुत ज़्यादा अफ्तारी का जो एक कार्य प्रोग्राम रहता है उसके बाद जो कचरा बढ़ता है उसको कैसा साफ सफाई किया जाए इसके ऊपर हमने पूरी टीम लगाकर हमने ये सुविधा देने का हमने भिवंडी वासियों को आज हमने ये उपक्रम तैयार किया है। लेकर क्या कहेंगे सर, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर पानी नहीं पहुँच पा रहा है और अभी ऐसे में मुस्लिम समुदाय का त्यौहार है, पानी की समस्याओं से काफ़ी लोग गुजर रहे हैं। हर एक डिपार्टमेंट को हमारे भिवंडी कॉरपोरेशन के माध्यम से बुलाया गया है और प्लानिंग पानी के बारे में रास्ता खराब जहाँ है वहाँ डामरीकरण हो रहा है, जहाँ पर कचरे का जो विषय मैंने अभी बताया वहाँ सुविधा कैसा दी जाए और तीन चार चीज़ों को लेके हमने ये प्रोग्राम पूरा प्लानिंग किया है उसके ऊपर हमारी पूरी टीम काम पे लग गई है। और दूसरी बात आने वाले बारिश की वजह से जो आज बारिश में भी हमारा रमज़ान महीना पहुँच रहा है तो हमने नाले साफ सफाई का जो टेंडर था वो रिकॉल होने के बावजूद हमने खुद की यंत्रणा लगाकर नाली सफाई भी हमने कल से स्टार्ट कर दिया है। मतलब भिवंडी में रमज़ान महीना अच्छे से मुस्लिम भाई हमारे मनाए और उसके बाद में फिर लगातार हर एक त्यौहार आने वाला है जैसे कि श्रावण महीना रमज़ान के बाद श्रावण महीना गणपति दिवाली तो हमने ये पूरे साल के प्रोग्राम का नियोजन करके रख दिया है। बस हमको अभी इसके ऊपर खरा उतर कर दिखाना है और भिवंडी वासियों को ईद की मुबारकबाद जब देंगे कि भिवंडी वासी हमारे इस प्रोग्राम से खुश रहेंगे इतनी हम लोग शुभेच्छा देना चाहते हैं मुस्लिम भाई। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।